अब बेटा हमें पढ़ना है एक्सक्रीटरी सिस्टम। किसका? एक्सक्रीटरी सिस्टम अपने फ्रॉग राना टिगरीनी राना टिगरीना जी का, मेंढक जी का, फ्रॉग जी का। बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें इसका साथ में पढ़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा मैंने इसकी शुरुआत में आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ, इसके अंदर बेटा क्लोएका प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? क्लोएका प्रेजेंट होती है। ये देखो बेटा स्ट्रक्चर, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्लोएका, क्लोएकल एपरेटस। लेकिन बेटा आपको माउथ से लेके एंड तक एंड में एनस नहीं नजर आएगा। क्यों बेटा? यहाँ पर इनका जेनाइटल पोर, मतलब इनका जेनेटिकल जो लास्ट का जो ओपनिंग है वो, और इनकी यूरिनरी ओपनिंग दोनों बेटा सेम है। और एनिमल किंगडम में हम पढ़ के आए हैं कि बेटा जहाँ पर कॉमन ओपनिंग होती है जेनाइटल और यूरिनरी ट्रैक्ट की, उसको हम क्लोएका कहते हैं। क्या? क्लोएका कहते हैं। तो जब बेटा हमको दिख ही रहा है कि यूरिनरी ब्लेडर या सॉरी यूरिनरी ओपनिंग और जेनाइटल ओपनिंग एक साथ ही ओपन होनी है, तो हमें इनको दोनों को पढ़ना भी तो एक साथ ही पड़ेगा ना। ओके बेटा, याद रखना जो मेंढक होता है, जो फ्रॉग होता है बेटा, यूरियोटेलिक होता है, मतलब यूरिया निकालता है वेस्ट मटेरियल। जैसे इंसान क्या निकालता है? इंसान भी यूरिया निकालता है, तभी तो हम यूरिन बोलते हैं। ठीक है, अगला देखो बेटा। अब इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहली चीज किडनी। तो याद रखना इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम की यूनिट क्या है? जैसे इंसान की किडनी, तो इसकी भी किडनी है। और अगर एक कॉकरोच होता तो मालफीजियन ट्यूब्यूल्स होता। अगला है बेटा यूरेटर पढ़ना है। क्या बनना है? पढ़ना है यूरेटर पढ़ना है। फिर बेटा क्लोएका के बारे में पढ़ना है, जो कॉमन उनका स्थान है जेनेटिकल ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट का। और यूरिनरी ब्लेडर के बारे में पढ़ना है। बेटा इजी है ये, बहुत ज्यादा इजी है। जरा सबसे पहले बेटा किडनी के बारे में देखते हैं। जो बेटा किडनी होती है ना मेंढक की, वो कैसी होती है? वो डार्क रेड कलर की होती है। कैसी? डार्क रेड कलर की होती है। और बीन जैसी शेप होती है। कैसी? बीन जैसी शेप होती है। आप बोलोगे भैया ये तो इंसान जैसी है। हाँ बेटा इंसान की तरह ही है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स ही होते हैं भाई, किडनी के अंदर क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स ही होते हैं। या इनके नेफ्रॉन्स को हम यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं, या यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स या यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी बोल देते हैं। ठीक, एक बेटा स्ट्रक्चर से समझते हैं। ये मानो क्लोएका है। क्या है बेटा? क्लोएका। मानो का है ही क्लोएका। अब बेटा जो क्लोएका है वो किससे कनेक्टेड है? ये किडनी है, उस किडनी से कनेक्टेड है। दो, एक पेयर ऑफ किडनी है इनके पास, जैसे हमारे पास है ना। अब किडनी के अंदर क्या है? नेफ्रॉन। एन 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 क्या है? नेफ्रॉन्स है। अब ये किडनी इस क्लोएका से किससे जुड़ी है? यूरेटर से जुड़ी है। मतलब ये जो ट्यूब होती है ना, जो क्लोएका से जुड़ी हुई है, वो क्या है? यूरेटर है। क्या है? यूरेटर। मतलब यहां से यूरिन पास होकर क्लोएका तक पहुंचेगा, और क्लोएका से वो नीचे यूरिनरी ब्लेडर में क्या होगा? स्टोर होगा। क्या होगा? स्टोर हो जाएगा। और जब बटा प्रेशर बढ़ने लगेगा तो वो यहां से इसको रिलीज कर देगा बाहर। क्लोएकल एपरेटस से क्या कर देगा? अपर्चर से बाहर कर देगा। ठीक है, अच्छा बेटा ये बात समझ में आ गई। एक और चीज देखो बेटा आगे। अब जरा मेल फ्रॉग देखो। जब मेल फ्रॉग हमने देखा तो हमने देखा कि सेम वही स्ट्रक्चर पुराना वाला, वही अपना यूरेटर, वही अपनी किडनी, वही यूरिनरी ब्लेडर, यू भी लिख दिया शॉर्टकट में, वही अपना क्लोएका। बस दो नई चीज आ गई। क्या आ गई? फीमेल फ्रॉग, सॉरी फीमेल फ्रॉग में क्या आ गई? ओवरी आ गई। बोथ साइड पेयर होता है ओवरी का, ओवरी। और ओवरी किससे कनेक्ट है? क्लोएका से। क्लोएका से कनेक्ट है किसके थ्रू? ओविडक्ट से। सी हमारे ह्यूमन में भी यही होता है, लेकिन ह्यूमन का बेटा ये पैसेज अलग ही है। क्या है? अलग। लेकिन यहाँ पर कॉमन पैसेज हो रहा है बेटा। यूरिन भी और आपके ये ओवम भी, मतलब जेनाइटल पोर भी क्लोएका में ओपन हो रहे हैं, इसलिए तो क्लोएका होता है इसके अंदर। ठीक है, फीमेल फ्रॉग की बात करें बेटा, एक चीज याद रखना, एक मैच्योर फीमेल 2500 से 3000 ओवा दे सकती है एक वक्त में। मेंढक कितनी? 2500 से 3000। और ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, कोई लिखा है तो पूछा भी जा सकता है। अगला देखो भैया, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड जेनेटिक ट्रैक्ट आर सेपरेटेड। क्या? सेपरेटेड। इसके अंदर देखो बेटा, ट्रैक्ट तो दोनों के अलग ही है ना, एंड में जाके तो वो एक जगह मिल रहे हैं, लेकिन नलियां तो दोनों की अलग ही है ना। किडनी की नली अलग, ट्रैक्ट अलग, यूरेटर, और बेटा ओवरी की डक्ट अलग, ओवी डक्ट अलग है ना। लेकिन बेटा मेल के सिस्टम में ये भी बात खत्म हो जाती है, वहां तो क्या हो जाता है? तुम सब एक साथ फिक्स हो जाता है मामला। देखो ये बेटा पूरा का पूरा वही स्ट्रक्चर है अपना, यूरिनरी ब्लेडर, क्लोएका, अपनी किडनियां, अपनी मतलब मेंढक की, और यूरेटर, और ये किडनी। अब यहाँ पर जो टेस्टिस आ गए, टेस्टिस क्या होता है भाई? टेस्टिस ही होता है ना, मेल के अंदर तो टेस्टिस ही होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना। अब यहाँ वहां पे ओवरी थी, तो यहाँ पे वन पेयर ऑफ टेस्टिस। अब ये टेस्टिस क्या आ गए? सीधा किडनी के ऊपर आ गए। कहाँ गए?
किडनी के ऊपर ही आ गए, वहीं पर है टेस्टिस। अब इस टेस्टिस से जो बेटा नली निकलती है, जो ट्यूब निकलती है, वो सीधा किडनी में एंटर कर जाती है। और जो ट्यूब होती है इसको वासा एफरेंशिया बोलते हैं, हम मेल के केस में, ह्यूमन के केस में पढ़ चुके हैं। तो बेटा जो नली टेस्टिस से होकर जाती है, जिससे स्पर्म निकलते हैं बेटा, वो क्या है, वासा एफरेंशिया होती है। वो सीधा पेनिट्रेट कर गई किडनी में और यूरेटर से जा मिली। अब क्या हुआ, इस यूरिन का ट्रैक्ट और आपके जेनिटल मतलब स्पर्म का ट्रैक्ट स्केम हो गया, कॉमन हो गया। क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो फीमेल के केस में अलग अलग था, मेल के केस में कॉमन हो गया। क्या हो गया, कॉमन हो गया। यही वासा एफरेंशिया जब बेटा अंदर चली जाती है किडनी के, तो वो ब्लेडर्स कैनाल कहलाती है। क्या कहलाती है, ब्लेडर्स कैनाल कहलाती है। और ये बेटा कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी वजह से ये कनेक्ट रहते हैं, है ना। अगला देखो बेटा, मेल फ्रॉग में क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड जेनिटल ट्रैक्ट आर कनेक्टेड। बात समझ में आ गई। अगला देखो बेटा, अब एक चीज देखो, इन मेल फ्रॉग यूरेटर एक्ट एज यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट। सीधी सी बात है भैया, यूरेटर मतलब वही अपनी किडनी से निकलने वाली नली, वो दोनों तरह से काम कर रही है, यूरिन भी पास करवा रही है और जेनिटल ट्रैक्ट की तरह भी काम कर रही है, स्पर्म भी उसी के थ्रू जा रहे हैं। अब बेटा जरा रिप्रोडक्शन के बारे में और समझ लो बेटा, मेल और फीमेल फ्रॉग जो मीटिंग करते हैं कहाँ करते हैं, अपनी पानी के अंदर करते हैं। तो मैंने वाटर बॉडी बनाई है, बड़ी सी क्या बनाई है, वाटर बॉडी बेटा, यहीं पर करते हैं। इस वाटर बॉडी के अंदर एक चीज समझो बेटा, इस वाटर बॉडी के अंदर इनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल है। मतलब इंटरनल का मतलब क्या होता है कि भैया मेल के जो स्पर्म होते हैं वो एंटर कर जाते हैं फीमेल की बॉडी में और वहां पर दोनों का मिलन होता है, मेल स्पर्म और फीमेल एग या ओवा का। तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, जैसे कि इंसान के अंदर होता है, ज्यादातर मैमल्स यही काम करते हैं। लेकिन फ्रॉग के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल, बाहर छोड़ देते हैं और बाहर इनका वाटर में फर्टिलाइजेशन होता है और जो बनता है उसे टैडपोल लार्वा बोलते हैं। उनके लार्वा को क्या बोलते हैं, टैडपोल। और याद रखना, जिसके डेवलपमेंट में लार्वा आ जाए उसकी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि सीधा सीधा वो फ्रॉग पैदा नहीं होता। फ्रॉग पहले लार्वा होता है टैडपोल, उसके बाद एडल्ट फ्रॉग बनता है, मेटामॉर्फोसिस से होकर गुजरता है। मेटामॉर्फोसिस मतलब अपने प्रोसेस में चेंज होता है, अपने इवॉल्व होता है, जैसे पोकेमोन इवॉल्व होते थे ना। तो बेटा होता है एक छोटा सा लार्वा, धीरे धीरे मैच्योर होकर धीरे धीरे पैर वगैरह आके हाथ आते हैं, तब जाके एडल्ट फ्रॉग बनता है, अपना रूप बदलता है। तो रूप बदलने को ही मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक, अगला बेटा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। बात समझ में आ गई।